गरीब का बैटरी कार। एक गांव में महेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उनके घर के पास ही एक बहुत बड़े धनवान का घर था। धनवान के घर में महेश की उम्र का ही एक लड़का रहता था। हर रोज उस लड़के को स्कूल छोड़ने वर्दी पहना हुआ एक ड्राइवर कार में लेकर जाता था। ये बात हर रोज महेश देखता रहता था। वो अपने मन में कभी ना कभी मैं भी एक कार खरीदूंगा, यूं सोचता था। कई साल बीत गए, महेश बड़ा हो गया। उसने खूब मेहनत करके डिग्री की पढ़ाई की। वो एक छोटी सी नौकरी में लग गया। महेश ने अपने मन में सोचा, जल्द ही मैं एक कार खरीद लूंगा। एक साल बाद महेश, वाह, अब मेरे पास ने पैसे तो जरूर बचे होंगे कि मैं एक कार खरीद लूं। यूं रात भर सोचते हुए वो सो नहीं पाया। अगले दिन सवेरे वो बैंक गया। अपने खाते में जमा हुए पैसे देखकर वो दंग रह गया। उसके खाते में केवल 50,000 रुपए थे। महेश समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। अपने मन में, बाप रे, एक कार खरीदना इतना मुश्किल है, अगले साल तक कार खरीदने के लिए पैसे जमा करने ही होंगे, यूं सोचा। अगले दिन से महेश ने अपने सारे खर्चे कम कर दिए। उसने चाय, कॉफी, नाश्ता सब बंद कर दिया। वो हर रोज केवल 2 रोटियां, वो भी एक ही वक्त खाता था। वो घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। वो जो भी काम मिलता वो करके पैसे जमा करने लगा। जब एक साल बीत गया तो उसके पास इतने पैसे थे कि वो एक कार खरीद सके। वो सीधा गया और कार खरीदा। अगले दिन सवेरे महेश अपने नए गाड़ी में ऑफिस गया। ऑफिस के रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। महेश की गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा रोड रोलर रुका हुआ था। ड्राइवर ने रोड रोलर रोका और नजदीक वाले चाय की दुकान में चाय पीने चला गया। रोड रोलर अचानक पीछे आने लगा। महेश समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो अपने गाड़ी से उतरकर बचकर भागा। वो रोड रोलर पीछे लुढ़कते हुए आकर महेश की गाड़ी को चकनाचूर कर गया। इस तरह बड़ी मेहनत करके और बचत करके जो कार महेश ने खरीदा था वो चकनाचूर हो गया। ये देखकर महेश बहुत दुखी हुआ। वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहाँ पर थानेदार को जो कुछ हुआ सब बताया। नहीं नहीं, कार थी सर, आज ही खरीदा था और वो एकदम चकनाचूर हो गया। आप उस ड्राइवर पर एक्शन लीजिए। भाई कैसे एक्शन ले, क्या उसने रोड रोलर जानबूझकर तुम्हारे गाड़ी पर चलाया? नहीं सर, वो तो ड्राइविंग सीट पर भी नहीं बैठा था उस वक्त। तो भाई ये तो एक हादसा है, तो इसमें ड्राइवर की क्या गलती है? सर, ट्रैफिक के बीच में इतनी बड़ी गाड़ी को सड़क पर छोड़कर चाय पीने जाना, क्या ये जुर्म नहीं है? क्या आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे? देखो भाई, हम कानूनी तौर पे तो कुछ कर नहीं सकते। उस दिन से महेश किसी के नजर नहीं आया। यूं कुछ दिन बीत गए। कोई नहीं जानता था कि महेश का क्या हुआ। एक दिन महेश ने एक बहुत बड़े बैटरी के 4 पहिए लगाए और उसे कार की तरह चलाते हुए आ रहा था। वो गाड़ी जब आती थी उसके सामने जो भी गाड़ी थी वो सब दूर चले जाते और जो गाड़ियां पीछे थी वो पीछे दूर चली जाती। आगे पीछे गाड़ी वाले ड्राइवर सब हैरान रह गए। उनके समझ में नहीं आया कि बिना उनके नियंत्रण के कार इतने दूर कैसे चले गए। महेश की गाड़ी में जो बड़ी बैटरी थी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के कारण सारे गाड़ियां दूर जा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक एकदम अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन महेश आराम से अपने गाड़ी को चलाते हुए वहां से जाने लगा। अगले दिन थानेदार ने महेश को स्टेशन बुलवाया। जब महेश स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि पिछले दिन जो कार दूर हट गए थे उनके ड्राइवर वहां बैठे थे। सब महेश को गुस्से से घूर रहे थे। देखो भाई, इन सब ने शिकायत की है तुम्हारे खिलाफ कि तुम वो बैटरी कार चलाते हो। मैंने तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। एक्शन? कैसे एक्शन लेंगे सर, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अपने बैटरी कार को सड़क पर चलाने के लिए जो परमिशन चाहिए सब मेरे पास है। कानूनी तौर पर मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन लेने का आपको अधिकार नहीं है। थानेदार कुछ कह नहीं पाया।
देखिए, ना ही मैं स्वार्थी हूँ, ना ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि सब मेरी तरह जिम्मेदार हों। एक व्यक्ति के गैर जिम्मेदारी हरकत के वजह से मेरा नुकसान हुआ है। मैं सबको मेरी परेशानी से अवगत कराना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर मैं इसके चार्जर को ऑन करूं, तब मेरे सामने जो गाड़ियां हैं सब दूर हट जाती हैं। जब तक लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, मैं इस चार्जर को ऑन नहीं करूंगा। लेकिन अगर ट्रैफिक नियमों का पालन ना करके ट्रैफिक जाम किया और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया, तब मैं ये चार्जर ऑन करूंगा, कहकर वहां से चला गया।